हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरकेजी के ट्रिक पर। फ्रेंड्स, राजस्थान के एक और वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है। लगातार मैं आपको बता रहा हूं कि शिक्षक विभाग में वैकेंसी का भंडार आने वाला है। उसमें एक संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती भी शामिल है। फर्स्ट ग्रेड से लेकर थर्ड ग्रेड की वैकेंसी का लगभग नहीं करते भी आपका 50 से 60 हज़ार के बीच में बम्पर भर्तियों का नोटिफिकेशन आपका सेप्टेम्बर या अक्टूबर में आने वाला है। उससे पहले ही संस्कृत शिक्षा विभाग में भर्ती आ चुकी है। 2800+ पदों पर विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। कैबिनेट की एक बैठक हुई है, उस बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। फ्रेंड्स, फैसला शनिवार को लिया गया था। कुछ कारणों के कारण मैं वीडियो नहीं लेकर आ पाया हूं। 2800 पदों पर आज जो इन्फॉर्मेशन आई है संस्कृत शिक्षा विभाग की, वो भी हम आज आपको बताएंगे। और व्हाट्सएप नंबर में आपको बता देता हूं, जिससे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ, जिससे आपको हर इन्फॉर्मेशन शिक्षा विभाग से संबंधित चाहिए तो इन नंबरों पर आप हमें मैसेज कर देना, जिससे आपको आसानी से शिक्षा विभाग से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो सके। 80 58 85 13 75 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इन नंबरों पर आप हमें मैसेज कर देना, जिससे आपको शिक्षा विभाग से संबंधित हर इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त होगी। 2800+ पदों पर आपका संस्कृत शिक्षा विभाग भर्ती आई है। क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन देने वाली है, डिटेल से हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, चलो फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स, शिक्षा विभाग में, संस्कृत शिक्षा विभाग में 2827 पदों पर आपकी भर्ती की प्रक्रिया होगी। फ्रेंड्स, यह बड़ा फैसला लिया गया है और कैबिनेट में यह फैसला लिया गया है, डिटेल से हम बात करने वाले हैं। इस पर देख लेते हैं एक बार। फ्रेंड्स, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया है कि संस्कृत शिक्षा विभाग में 2827 पदों पर यह भर्ती होगी। कैबिनेट ने शिक्षा विभाग के कई पदनाम, पाठ्यक्रम व पदों की योग्यता शिक्षा विभाग की तर्ज पर किया है, ताकि इन पदों की भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा विभाग की भर्तियों के साथ हो सके। यह भर्ती की जो प्रक्रिया होगी वो आपकी, आपका जो अधीनस्थ बोर्ड है उसके द्वारा की जाएगी। एक बार देख लेते हैं इसमें क्या इन्फॉर्मेशन हो रही है। संस्कृत शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षा अनुदेशक ग्रेड सेकंड व शारीरिक शिक्षा अनुदेशक ग्रेड तृतीय का पदनाम अब शिक्षा विभाग की तर्ज पर वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक व शारीरिक शिक्षा अध्यापक होगा। शारीरिक शिक्षा अध्यापक व लाइब्रेरियन ग्रेड तृतीय की योग्यता शिक्षा विभाग की विभाग के अनुरूप की जाएगी। इसमें संस्कृत शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षा व अध्यापक के 179 व लाइब्रेरियन ग्रेड तृतीय के 48 पदों पर भर्ती का रास्ता खुला है। अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 एवं अध्यापक सामान्य लेवल 1 व लेवल 2 के पदों की योग्यता प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अनुरूप होगी। पंचायती राज व शिक्षा विभाग के अनुरूप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। इसमें 2600+ पदों पर यह भर्ती की प्रक्रिया होगी। तो बड़ा फैसला आया है सामने भजनलाल शर्मा का, और मैं लगातार आपको बोल रहा हूँ कि फर्स्ट ग्रेड से लेकर थर्ड ग्रेड तक के लगभग 50,000 से लेकर 60,000 के बीच में आपका ये पद आने वाले हैं, और आप लोग तैयारी में लग जाओ। नोटिफिकेशन अब इसका जल्द ही आने वाला है। लगभग आज का जो अखबार में आई है, कुछ अपडेट आई, वो मैं आज ही वीडियो अपलोड करूंगा और उसके आधार पर हम आपको बताएंगे कि नोटिफिकेशन में अब कुछ ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। कहने का मतलब आपका अगस्त की 10 या 20 अगस्त के आसपास, यानी 10 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के आसपास आपका संस्कृत स्कूल का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। बड़ा फैसला सामने आ चुका है। 2800+ पदों पर आपकी संस्कृत शिक्षा विभाग में भर्ती होगी। और अब हम रीट से संबंधित भी बात करेंगे, तो रीट के 32,000 पद और लगभग फर्स्ट ग्रेड के जो पद आएंगे, फर्स्ट ग्रेड के लगभग आएंगे 12,000 के समथिंग पद आएंगे, और सेकेंड ग्रेड के 10,000 पद, सेकेंड ग्रेड के 10,000 पदों पर यह वैकेंसी होगी। फ्रेंड्स, तो लगातार ये वैकेंसी आने वाली है, और 50 से 60 हज़ार पद में आपको बता रहा हूँ आने वाले हैं। तैयारी में लग जाओ। कोई भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, और एक और वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने वाला है, वीडियो हम लेकर आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स।